एक सवाल छोटा सा और है मेरा कि जब हम प्रयागराज, प्रतापगढ़ और इन सब इलाकों में घूमे जमीनी चीजों को जानने के लिए, कुछ लोगों ने बड़ी दिलचस्प बात कही और उसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रमोद तिवारी जी का जो कद है सियासत में वो बहुत बड़ा है, उस लेवल के नेता बहुत कम है, बस पार्टी गलत है वरना वो मुख्यमंत्री बहुत पहले बन गए होते, ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, मैं आपकी बात पे इतना खुश हो रहा हूँ कि अलग मिलेंगे तो कॉफी पिलाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज पार्टी हमारी पावर में नहीं। वो सबसे बड़ी बॉडी जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका मुझे सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, 22 साल मुझे कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता रखा, 9 बार विधानसभा का सदस्य बनाया और राज्यसभा भेजा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मेरी पार्टी ने मुझे दिया है मैं संतुष्ट हूं, और खास तौर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपनी जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस की वापसी और उत्तर प्रदेश के समृद्ध के लिए मैं संघर्ष करूंगा, ये मैं विश्वास करूंगा। बिल्कुल, देखिए तमाम बातें, संजय जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, जाते जाते फिर इस सेशन को हम खत्म कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि बस एक लाइन सवाल है कि देश को आजाद कराने वाली जो जातियां 578 थी, अंतर समय अंगार कमेटी का रिपोर्ट था, मीरा कुमारी जी लोकसभा अध्यक्ष थी और उसे इन्हीं के राज्यसभा के सांसद जो है हरिभाव राठौर थे, उनसे मैंने आवाज़ उठवाई, 6 घंटे 18 मिनट उस पर बहस कराए, लेकिन उसे कबाड़ में डाल दिया। तो मैं चाहूँगा कि इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, कम से कम कांग्रेस की, इन जातियों के साथ अन्याय न हो कि जो जो इस देश को आज़ाद कराए हैं। और अंतर समय अंगार कमेटी देश को आज़ाद कराए, संविधान बना, तो देश में शायद सभी पार्टियां काम कर रही हैं। तो इन पार्टियों को चाहिए कि उस अंगार कमेटी के रिपोर्ट को लागू कराएं जो 1949-50 है, और सभी जातियां जो इस देश के हकदार हैं, जिनको कानून बना के उजाड़ा गया है, उन्हें कानून बना के बसाने में इनका सहयोग चाहिए। मैं तो इनसे यही कहूंगा कि राम और निषाद राज गले शांति आई तो कांग्रेस और भाजपा दोनों गले मिल जाए, उत्तर प्रदेश देश में शांति आ जाए, आराम से देश चलेगा, लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मिनट सिर्फ कह दूं, मैं संजय जी की हर बात का समर्थन करता हूं। नदी पर अगर किसी का अधिकार है तो गंगा पुत्रों का है, नदी पुत्रों का है, निषाद का होना चाहिए। लेकिन जरा देख लो, कांग्रेस जब तक रही ये बालू और मोरंग के कभी गोलियां नहीं चली इस नाम पे, लेकिन अब अगर हुआ है तो गैर कांग्रेसवाद में हुआ है, माफियावाद बढ़ा गैर कांग्रेस।